नमस्कार कुसुम टीवी खबर आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत प्रथम जीवा मुख्य खबर भद्रक दुईट बैक आंबुलांस लोकार्पण कले विधायक और सांसद निज उद्यम निरीह वृद्ध वृद्धा को शीत वस्त्र बंटन सात घंटा बिताइले समुद्र भितर 132 विधायक वर्तमान जीवा संपूर्ण खबर को भद्रक आज हीरो कंपनी द्वारा दुईट बैक आंबुलांस शुभ उद्घाटन जिलापा कार्यालय सम्मुख में अनुषित हो जाए यही आंबुलांस को भद्रक विधायक संजीव मल्लिक और सांसद मंजुलता मंडल लोकार्पण करते यही बैक आंबुलांस कार्य है जो जगह को बड़ आंबुलांस जापना सेठाक बैक आंबुलांस जा रोगी को आणवारा रोगी मैंने हंतसंत होनी कि आउ खटिया बुहा हेनी अति कम समय मध्य रोगी हस्पिटाल पहुंची पारे तेज रोगी मान सुविधापी भद्रक पुराणा बजार और चांदवाली को यह दुईट आंबुलांस प्रदान एतस भद्रक विधायक अनुरोध करो जगह को बड़ आंबुलांस जापना सेठाकर लोक मैंने यार उपयोग करूँ यही उद्घाटन सभार विधायक संजीव मल्लिक और सांसद मंजुलता मंडल जिलापाल डॉक्टर ज्ञानरंजन दास सीडीएमओ और हीरो कंपनी सदस्य वृंदों समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति और जनसाधारण उपस्थित रही भद्रक सूरज खान को रिपोर्ट कुसुम टीवी कलाहांडी जिलार मदनपुर रामपुर साई फोटो स्टूडियो मालिक शांतनु कुमार साहू निज उद्यम मदनपुर रामपुर ब्लक उल्लादानी पंचायत स्थित दुर्गम अंचल में बसवास करुवा निरीह वृद्ध वृद्धा मान शीत वस्त्र बंटन करिछन्ति पेशारे से जड़े फटोग्राफर किंतु निशा तांकर निरीह वृद्ध वृद्धा मान सेवा करिबा से 2016 मसीह निरीह वृद्ध वृद्धा मान शीत दिने शीत वस्त्र प्रदान करि आसुछन्ति प्रतिवर्ष निज उद्यम विभिन्न दुर्गम अंचल को जाई एभली महान कार्य करपरी महत कार्य को नहीं विभिन्न महल में प्रशंसा कलाहांडी सुरेश चंद्र साहू को रिपोर्ट कुसुम टीवी 132 विधायकों पारादीप ग्रस्त भारतीय नौसेनार शक्ति और युद्ध कौशल को अति निकट देखिले और 7 घंटा बिताइले समुद्र भितर सबु दल विधायकों पारादीप ग्रस्त को नहीं 15 नगरी पारादीप होता चलचंचल 1971 मसीहा इंडो पाक युद्ध में भारतीय नौसेनार शक्ति और वीरत्व को एबे भी आम मन पकाऊ आउ यही युद्ध कौशल को अति निकट देखिछन्ति ओडिशा विधानसभा 132 विधायक और जने सांसद भुवनेश्वर पहुंच चुके पारादीप 18 बांकी ठारे पहुंची प्रथम प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करते बाचस्पति और विधायक परे सीधा बंदर पांच नंबर गेट भितर पशि चढ़ीते नौसेनार युद्ध जहाज INS जलस्वर पखापाखि 100 किलोमीटर समुद्र भितर को जाई सेठारे विशाखापट्टनम आसीथिबा तीनटी युद्ध जहाज INS साहत्री INS शक्ति और INS शिवालिक जोगदे युद्ध कौशल प्रदर्शन करिबार देखिथिले एपरिकि लड़ुआ विमान युद्ध कौशल में सामिल थे यही कार्यक्रम पर इंडियन नेवी और जगत सिंहपुर जिला पुलिस पक्ष व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर पूर्व इतिहास को देखिले आज को मिसाई दुई थर एत संख्यक विधायक पारादीप को आसी 1962 मसीह प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक उद्यम पारादीप बंदर प्रतिष्ठा उत्सव में तत्कालीन एरसमा विधायिका स्वर्गत रत्नमणि जेमा नेतृत्व में 140 विधायक पारादीप आसी तेज आज विधायक मान ग्रस्त को नहीं पारादीप चलचंचल रही बेले देशर एक महान पर्व इंडो पाक युद्धर स्मारकी विजय उत्सव में सामिल हो नौसेनार शक्ति कौशल और युद्ध निपुणता को अति निकट रू देखि आत्मविभोर होती जननेता सेठार फेरवापर एक सांबादिक सम्मेलन में बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र निजर खुशी व्यक्त कर समस्त मंत्री समस्त विधायक आम विभिन्न समय विधानसभा आईन पास किंतु जो मैंने देश मतृका युद्ध कर समुद्र भितर नौसेना रही भारत माटी के रक्षा कर कौन सी प्रकार दृष्टांत आम पाखे ना आम थियोरिटिकल जानूँ किंतु प्राक्टिकाली आम कौन नलेज ना सौभाग्यवशत ओडिशार प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पट्टनायक आ भारतीय नेवी तांकर ईस्टर्न कमांड जो आज से सुजोग आम पाइल प्राय विधानसभा 100 ऊर्ध विधायक मंत्री विधायिका और मंत्रिमंडल सदस्य समस्ते आज सका 10 संध्या 6 पर्यंत विभिन्न अंचल बुलू और विभिन्न अंचल समुद्र गभीर समुद्र से मैंने आउ तीनोटी जहाज जो जहाज जाइलु से जलवा जहाज से जहाजर काम होला जे भारतीय आर्मी कि भारतीय नेवल लोकंगु हेलिकॉप्टर को
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ନିଆଯାଏ। ଇଏ ଆମେରିକାନ୍ ତିଆରି ଜାହାଜ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ବିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଜାହାଜ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟର ଭାବନା ଅଛି ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସେନି। ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ କିଭଳି ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ବାଜି ଲଗାଇ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର କଳାକୌଶଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ କୌଶଳ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ସେଠି ସେଲର୍ମାନଙ୍କର, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଇଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ, ବିଧାୟିକାମାନେ, ତା ମିନିଷ୍ଟରମାନେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଦିନସାରା ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ସମୟ କଟେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ବିନିମୟ କରିଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର କଳାକୌଶଳ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି। ଜାହାଜରୁ ଫେରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଓ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ 132 ଜଣ ବେଲେ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାରାଦୀପ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି, ବହୁ ଜାହାଜ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଏ ଜାହାଜ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ, ରଣକୌଶଳ ଦେଖେଇଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସୋଲଜର୍ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିବା, ଗୁଳି ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଜାହାଜରେ ଅଏଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାଇଦା ଦେଖେଇଲେ, ଏ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ MLA ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ଯେ ନେଭି ଅଫିସରମାନେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସୋଲଜର୍ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।